नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जानिए करवा चौथ व्रत के वो 8 नियम जो हर महिला को मालूम होने चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। ये महिलाओं का बहुत बड़ा पर्व है। पूरे साल महिलाएं इस पर्व का इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए तप करती हैं और निराहार व निर्जल व्रत रखती हैं। रात में पूजा और चंद्र दर्शन के बाद वे अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ व्रत वैसे तो महिलाओं का व्रत है, लेकिन महिला के बीमार होने या किसी विशेष परिस्थिति में पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं व्रत से जुड़े कुछ ऐसे नियम जो हर महिला को जरूर जानने चाहिए। करवा चौथ व्रत के नियम। नंबर 1, करवा चौथ व्रत की शुरुआत सूर्य उदय से होती है। उससे पहले महिला कुछ भी खा सकती है, इसके लिए मन में संयम न रखें। इसलिए सूर्य उदय के पूर्व तमाम घरों में शक्री खिलाई जाती है ताकि महिला को दिन भर के लिए एनर्जी मिल सके। नंबर 2, यदि महिला को पहले करवा चौथ व्रत में फलाहार खिला दिया है या जल ग्रहण करवा दिया है तो महिला अन्य करवा चौथ व्रत निराहार या निर्जल रह सकती है या फलाहार लेकर भी रह सकती है। वैसे इस व्रत में चंद्र उदय तक जल नहीं पिया जाता है, लेकिन अगर महिला बीमार है तो वह जल ले सकती है। नंबर 3, इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के अलावा वो कन्याएं भी रख सकती हैं जिनका विवाह तय हो चुका है, लेकिन कुमारी कन्याओं को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, तारों को देखकर व्रत खोलना चाहिए। नंबर 4, यदि किसी वर्ष में महिला बीमार है तो उसकी जगह करवा चौथ का व्रत उसका पति रख सकता है। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। आजकल तो पति का पत्नी के लिए करवा चौथ व्रत रखना भी चलन में आ गया है। नंबर 5, व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान को सुख मिलता है। नंबर 6, व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मिष्ठान साथ रखना चाहिए। कथा सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को वायना देना चाहिए। नंबर 7, व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल पीले आदि ब्राइट कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, न ही सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। नंबर 8, संध्या के समय चंद्र उदय से लगभग 1 घंटे पूर्व शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान ऐसे बैठे कि आपका मुख पूर्व की ओर रहे। पूजा के बाद चंद्रमा निकलने पर चंद्र पूजन और अर्घ देना चाहिए। इसके बाद पति की लंबी उम्र की कामना करके पति को तिलक लगाएं, उनका आशीर्वाद और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। कमेंट में जय महादेव लिखना ना भूलें।